इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, पाकिस्तान के क्वेटा पर आर्मी ने कब्जा कर लिया और इस कब्जे के बाद पूरे के पूरे बलूचिस्तान में ताबक तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद पूरे के पूरे पाकिस्तान में आपातकाल लग गया। तो वहीं बता दें आपको कि POK भी अब आज़ादी की राह पर चलने लगा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि आर्मी ने पहले चमन के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री मारी और फिर क्वेटा के बहुत सारे इलाकों को कर लिया कब्जा। और जब क्वेटा के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया तो वहां पर अपना बेस बनाने के बाद वो आगे बढ़ी और बताया जा रहा है कि नसीराबाद होते हुए बलूचिस्तान के इलाके पर तड़ातड़ हमले कर दिए। TPP के इस हमले के बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब वो बलूचिस्तान को बचाए या क्वेटा को बचाए। लेकिन हम आपको बता दें कि क्वेटा पर TPP ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि कब्जा पूरी तरीके से हो गया है, लेकिन पाकिस्तान क्वेटा पर हुए कब्जे को नकार रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में जो अभी अभी हमला हुआ है उससे पाकिस्तान नहीं नकार रहा। पाकिस्तान ने बोला है कि हाँ, हमारे बलूचिस्तान पर हमला तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नकार रहा है कि POK अब आज़ादी की राह पर चढ़ चुका है। मतलब POK बहुत जल्द आज़ाद होने वाला है और इस आज़ादी को लेकर के पाकिस्तान में काफ़ी खुशफुसाहट मची हुई है। बलूचिस्तान के उस इलाके पर आपातकाल लगा दिया गया है जहां पर आर्मी ने हमला किया। हालांकि TPP अब क्या पाकिस्तान को फिर से बांट पाएगा, जानते हैं अगले वीडियो में।